और चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एचयूटी के संदिग्ध आतंकियों की आज पेशी होनी है। दरअसल आज कोर्ट में 16 संदिग्ध आतंकी पेश किए जाएंगे। आतंकियों को 10 दिन की रिमांड पर लिया गया था और आज उनकी रिमांड खत्म हो रही है, तो अब एटीएस रिमांड बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकती है। आतंकियों के फॉरेन कनेक्शन की भी लगातार जांच की जा रही है। एचयूटी के 10 सदस्य भोपाल से गिरफ्तार किए गए थे, इसके अलावा भोपाल, हैदराबाद, छिंदवाड़ा से भी गिरफ्तारियां हुई थी। तो अब आज उनकी रिमांड खत्म हो गई है, अब रिमांड और बढ़ाने के लिए एटीएस आज आवेदन कर सकता है। तो भोपाल एचयूटी के संदिग्ध आतंकियों की आज पेशी होनी है। आज कोर्ट में 16 संदिग्ध आतंकी पेश किए जाएंगे। आतंकियों की 10 दिनों की रिमांड आज खत्म हो गई है, तो वहीं अब एटीएस फिर से इनको रिमांड पर लेने के लिए आवेदन आज कोर्ट में देंगे। तो आपको बता दें कि लगातार 10 दिन की रिमांड पर ये आतंकी थे, तो अब एटीएस रिमांड बढ़ाने के लिए और आवेदन भी कर सकती है। तो आतंकियों के फॉरेन कनेक्शन की भी लगातार जांच की जा रही है और उनके बताए हुए ठिकानों पर भी दबिश लगातार दी जा रही है। तो एचयूटी के 10 सदस्य भोपाल से गिरफ्तार किए गए थे, इसके अलावा हैदराबाद और छिंदवाड़ा से भी गिरफ्तारियां हुई थी। तो एचयूटी के संदिग्ध आतंकियों की आज पेशी है। आज कोर्ट में 16 संदिग्ध आतंकियों को पेश किया जाएगा। आतंकियों की 10 दिन की रिमांड आज खत्म हो गई। कई बड़े खुलासे पूछताछ में हुए हैं, हमारे साथ मध्यप्रदेश के गृहमंत्री, उनसे बात करेंगे। सर, आज कोर्ट में पेशी है 16 की, आगे क्या कार्रवाई और अभी तक क्या कार्रवाई हुई? इन 16 में से 4 लोगों के लिए हमने अभी कहा है कि 4 को रिमांड पर लेने का बताया है, कहा गया है, और उसके बाद में जो बिंदु हैं जांच के, उनको धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे जैसी जैसी जानकारी मिलती जाएगी। इस मसले में बात करें तो जाकिर नायक कनेक्शन भी देखने को मिला, डॉक्टर कमाल जो सबसे प्रमुख कड़ी थी, जिसके संपर्क में आने के बाद सौरभ से सलीम बना और सरगना का प्रमुख बना, तो उस एंगल पर किस प्रकार की जांच चल रही है? जांच, ये सारे बिंदु जांच में शामिल है और इतना ही कहना मुनासिब है, चूंकि जांच को प्रभावित न हो और हमारी और जांच दोनों की सेहत के लिए ये अनुकूल है कि ये बहुत गुड़ो वैसी है, तो इसलिए नहीं। खासतौर से वो कम्युनिकेशन के लिए डार्क वेब नेट का यूज करते थे, चेता के रॉकेट थ्रेम की बात करें, सीमा की बात करें, तो आधुनिक तकनीक का उपयोग करते थे, इसलिए रायसेन के जंगल में और वहां सारी चीज हमारे रडार पे थी और पकड़े भी गए, कुछ कर भी नहीं पाए। एयरगन उनके पास से बरामद हुए ऐसा माना जा रहा है, जो वो निशानेबाजी सीखते थे उससे? नहीं, मैं क्या क्या बरामद हुआ है अभी कहना ठीक नहीं है, वो एयरगन के बहाने बाकी चीजें चालू कर दोगे आप। आने वाले समय में और देखा जाए कोई बड़ी कार्रवाई एटीएस कर सकती है, क्योंकि लमसम इनका जो नेक्सेस है, चाहे हैदराबाद की बात हो, भोपाल की, जाकिर नायक, हैदराबाद भी हम दोबारा जाके और तथ्यों की जांच हमारी एटीएस करेगी और बिल्कुल तह तक जाएंगे, नेस्तनाबूद करेंगे, जैसे सिमी को किया, जैसे पीएफआई को किया, ऐसे इसको करेंगे। तो एक बड़ा दावा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश से सिमी नेटवर्क को ध्वस्त किया है, वैसे ही एचयूटी आतंकी, जो संदिग्ध आतंकी हैं, उनके ग्रोह को भी मध्य प्रदेश सरकार नेस्तनाबूद करेगी, इसको लेकर बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो आपने साफ तौर पर सुना, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि बिल्कुल एचयूटी को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। जिस तरह से पीएफआई को नेस्तनाबूद किया, जिस तरह से सिमी को मध्य प्रदेश से नेस्तनाबूद किया, उसी तरह एचयूटी को भी नेस्तनाबूद किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कुछ भी ज्यादा जानकारी देने से वो बचते नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी कुछ ज्यादा इसके बारे में कहना जांच के लिए ठीक नहीं होगा, हमारे लिए भी ठीक नहीं होगा, और इसीलिए उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं कहा। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने संकेत दिया है कि किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। जो जो सबूत और जिस जिस जगह पर या जिस व्यक्ति पर, संदिग्ध व्यक्ति पर उनको शक होगा, उसको उठाया जाएगा और पूरी जानकारी ली जाएगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सूरज शर्मा सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, आज अगर बात करें तो 16 संदिग्ध आतंकियों को कोर्ट में पेश किया जाना है, उनकी जो रिमांड है वो भी खत्म हो गई है, क्या लग रहा है, रिमांड उनकी और बढ़ाई जा सकती है और किस किस एंगल पर अब जांच की जाएगी?
देखिए बिल्कुल, एचयूटी का जो प्रमुख सरगना है सलीम उर्फ सौरभ, जो खासतौर से हैदराबाद से गिरफ्तार किया था एटीएस ने, उसके पास से पूछताछ में कई जानकारियां मिली हैं। और यही कारण है कि पांच दिन जो पांच आतंकी हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए हैं, शनिवार देर रात ही भोपाल पहुंचाए गए हैं। और आज पेशी के दौरान माना जा रहा है कि एटीएस उनकी रिमांड बढ़ा सकती है, चार से पांच दिन की रिमांड और मांगेगी, ताकि उनसे जो मिले इनपुट्स हैं, चाहे वो कॉलेज जिस कॉलेज में प्रोफेसर था या बाकी जो चार लोग गिरफ्तार किए गए थे उनकी एक्टिविटीज क्या थी, किन लोगों से मिलते थे, फंडिंग कहां से आती थी, खासतौर से विदेशी फंडिंग को लेकर भी जानकारी सामने आ रही है, तो उसको लेकर उनके बैंक अकाउंट्स भी छाने जाएंगे। इसके अलावा उनका मूवमेंट कहां कहां होता था, इस तमाम एंगल पर लगातार एटीएस जांच कर रही है। और सख्त संदेश एक साफ लाइन पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जिस तरीके से सिमी के आतंक को मध्यप्रदेश से खत्म किया था, वैसे ही इस नेटवर्क को भी निस्तनाबूद कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब साफ है और साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में एटीएस एक बड़ी जंबो कार्रवाई कर सकती है, जिसमें मध्यप्रदेश के अलावा आंध्र की बात, तेलंगाना की बात करें जहां से हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए हैं, तो हर एक एंगल पर एक बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में एटीएस है। और यही कारण है कि सख्त स्पष्ट संदेश भी दिए गए, संकेत भी दिए गए हैं कि निस्तनाबूद इस आतंक के जो संगठन है एचयूटी, उसको कर दिया जाएगा। हर एक पहलू पर जांच की जा रही है और यही कारण है कि तमाम इनपुट्स के बाद अब लगातार जांच का दायरा और बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में एक बड़ी जो कार्रवाई है वो एटीएस की देखने को मिल सकती है। चलिए, शुक्रिया सूरज हमारे साथ जुड़ने के लिए।